चैलेंज हार के कैसा लग रहा है तेरे को? चैलेंज हार के, अरे बहुत, ये लस्सी बहुत ठीक है तो खाने को भी टाइम लग रहा है। ठीक है ना, हार क्या होता रहता है, हार जीत तो होती रहती। नेक्स्ट टाइम आऊँगा प्रैक्टिस करके, तब एक मिनट में खत्म कर दूंगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज सुमित और आज मैं आपको लेके आया हूँ पुणे के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोल्ड ड्रिंक सेंटर, द ग्रेट पूना कोल्ड ड्रिंक हाउस। अभी शॉप को विजिट करते हैं और यहाँ की बेस्ट जो चीजें होगी वो खाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे आके फेमस क्या है, लेट्स गो। यहाँ पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें मिलते हैं, लाइक आइसक्रीम, कुल्फी, फालूदा, शेक, कोल्ड कॉफी एंड सो मेनी थिंग्स। तो गाइस मैं और वैष्णव एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि सबसे पहले लस्सी कौन खत्म करेगा। वैष्णव रेडी है तू? देखते हैं कौन जल्दी टाइम से। चलो योर टाइम स्टार्ट्स। खाना है पीना नहीं, मेरी मर्जी, खत्म तो कर रहा हूँ ना। ये चीटिंग मत कर यार। बाकी है मेरा खत्म हो गया पूरा था, तो मैं तो नहीं खा रहा, मतलब मैं तो हार गया, अभी पार्टी वार्टी नहीं खा रहा। पार्टी का कहाँ था, टेस्ट कैसा था? एक नंबर भाई, एक नंबर लस्सी। चैलेंज हार के कैसा लग रहा है तेरे को? चैलेंज हार के, अरे बहुत, ये लस्सी बहुत ठीक है तो खाने को भी टाइम लग रहा है। ठीक है ना, हार क्या होता रहता है, हार जीत तो होती है। नेक्स्ट टाइम आऊँगा प्रैक्टिस करके, तब एक मिनट में खत्म कर दूँगा। चल ठीक है, देखते हैं, अभी भी खा रहा है। सो गाइस ओवरऑल यहाँ का टेस्ट एकदम बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज यहाँ पे विजिट जरूर करना। वैष्णव देखो कैसा लगा भाई, मैं तो सबको बोलूंगा कि यहाँ की लस्सी बिल्कुल बिल्कुल एकदम आके ट्राई ही करना, क्योंकि यहाँ की लस्सी सबसे बेस्ट है आज तक की मैंने खाई हुई, तो जरूर विजिट करना। ग्रेट पूना कोल्ड ड्रिंक की लस्सी खाने के बाद ये तो मेरी और वैष्णव की फेवरेट बन चुकी है। चलो इसके ओनर से भी पूछते हैं कि आखिर उनकी फेवरेट डिश कौन सी है। मनोज सर, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी सबसे फेमस डिश यहाँ पे क्या है, पॉपुलर कौन सी? आइसक्रीम फालूदा, कुल्फी फालूदा। आपकी यहाँ की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? आइसक्रीम फालूदा, कुल्फी फालूदा, लस्सी, ऑल थ्री या ऑल टाइम फेवरेट। और कस्टमर की सबसे फेवरेट कौन सी है, जो मोस्ट सेलेबल है? आइसक्रीम फालूदा। आइसक्रीम फालूदा, आइसक्रीम फालूदा, ओके। मनोज सर, जस्ट मुझे आपके शॉप के बारे में एंड जो जर्नी आपने की है, लाइक आपके फादर साहब ने शॉप स्टार्ट की थी, अभी आप इसको चला रहे हो, तो आपके जो एक्सपीरियंस है उस टाइप में कुछ बातें बताइए। ऑल स्टार्टेड इन 1973, माय डैड एंड अंकल स्टार्टेड, बस उसके बाद ऑलमोस्ट 50 साल अभी भी कंप्लीटेड नाउ 2023 में। सो मी एंड माई ब्रदर आर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑलमोस्ट मेक 20-25 ईयर्स नाउ, मोर देन दैट मे बी, पर अच्छी जर्नी है। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल ट्राइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स एंड चल रहा है, सो फार सो गुड।
ये सारी चीज़ें आप यहीं बनाते हो? यस, ऑल इन हाउस, एवरीथिंग इज इन हाउस। ओके, आपने ज्वाइन कैसे किया शॉप, लाइक कब फादर का आपने स्टडीज वगैरह कुछ किया? स्टडीज वी पार्ट टाइम एट दिस एंड सिंस कॉलेज वाज आल्सो देयर, सो दोनों चीज साथ में साथ हो जाता था। ओके, पार्ट टाइम ही, देन आफ्टर कॉलेज फुल टाइम इधर ही आ गए। सो YouTube Instagram से लोग आते हैं, आपको कैसा फील होता है? इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी इंकरेजिंग और अच्छा लगता है कि लाइक पीपल सी एन Instagram पोस्ट एंड देखा अच्छा है, गुड रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। फ्रैंकली आपको कोई यादगार किस्सा शॉप के साथ? मैंने ऐसे तो बहुत है, मे बी कपल ऑफ मंथ्स बैक कस्टमर एट कम, तो उसने वो देख के उसका एक्चुअली सर दुख रहा था, तो उसने लिखा कि आइसक्रीम सॉल्व्स एवरीथिंग, तो उसमें मेरा सर एक्चुअली दुख रहा था और अभी ठीक हो गया, तो आइसक्रीम खाने के साथ इट वाज अ गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही गॉट। मतलब जो आपने लाइन लिखी है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको मिला? हां, दैट्स द पॉइंट, वेरी एंड एक्चुअली सॉल्व्ड हिज हेडेक। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट पूना कोल्डिंग हाउस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, विजिट एट पूना कोल्डिंग हाउस अगर आपको टेस्टी आइसक्रीम, लस्सी या फालूदा खाने की इच्छा हो। ओके, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शो।